जल्दी से सज सजा के तैयार हो जाइए बला लेकर। आपके आदमियों ने रामू को पेड़ से कस के बांध दिया है, सारा गांव भी वहां जमा हो गया है, बस आप ही का इंतजार हो रहा है बला लेकर। हाँ चलते हैं खामखा, उस चूंटी के औलाद को ऐसे कोड़े लगवाएंगे जैसे लोग पागल कुत्ते को पत्थरों से मारते हैं खामखा। लेकिन मालिक, रामू का अपराध क्या है? हमारा नाम क्या है? नागराज दरबारी। पिताजी पिताजी। क्या है बेटी? मेरे मन में एक शंका है। कैसी शंका बेटी? औरत को बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है। बुरी बात बेटी, कुंवारी लड़कियों को ऐसी बातें मन में नहीं लाना चाहिए। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुमने संसार में जन्म लिया है खाने के लिए, ऐश आराम करने के लिए। खामखा शुरू हो जाओ खामखा। ए हमारे परिवार की शान, हमारे खानदान को तूने बनाया महान, हमारे हिम्मत के किले की दीवार, दुश्मन पर झूम झूम कर करने वाली वार। ए महान तलवार, मैं तेरे ही गीत गाता हूँ बार बार, कर ले ये छोटी सी भेंट स्वीकार, माता तलवार नमस्कार। बादल जी सरकार, हमारी तलवार के कारनामे सुनाओ। श्याम कुमार तलवारी रन में कूदे थे जिस बार, हाथ में यही थी तलवार। ठहरो चंदा, अरे बहादुर सिपाही की पत्नी तुम कहाँ हो? अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे नाश्ता बनाना है। सुबह सुबह नाश्ता? छे, अरे तुम्हारी सुबह की शुरुआत तो हमारी बहादुरी की दास्तान और हमारी तलवार की कथा सुनकर होनी चाहिए। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी बहादुरी और चूल्हे में जाए तुम्हारी तलवार। अगर ये तलवार इतनी महान है तो घर में दो चार बच्चे ना होते? क्या सुहागरात में लोग प्रेम की बातें करते हैं और तुम अपनी तलवार की बातें कर रहे थे, मुही मेरी सौतन। खामोश, हमारी इस महान तलवार को मुही कहा तो? बादल खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हमारी इस महान तलवार की कथा बड़ी शान से सुनाओ। श्रीमान महोदय, श्री 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 श्याम कुमार तलवारी जी, आपके खानदान के दादों के परदादों के दादा सम्राट चंद्रगुप्त की फौज में थे और जब वो तलवार लेकर मैदाने जंग में कूदते थे तो लाशों के सर काट काट कर ढेर लगा देते थे। वाह, क्या इतिहास है। खैर बादल जी सरकार, बताओ अपने गांव में बड़े कितने आदमी हैं? सिर्फ दो सरकार। कौन है? एक तो आप और दूसरा वो नागराज दरबारी। अच्छा, इन दोनों में से सबसे महान कौन? यकीनन वो है? तो आप हैं सरकार, आप हैं। नो क्वेश्चन, वो तो हम ही हैं। हाय मालिक मालिक, वो देखिए कौन आ रहा है कमबख्त। श्याम कुमार बिना धार का तलवार मेरा मुकाबला करता है? कहां मेरा रोशन दिमाग और कहां उसका बुझा हुआ सड़ा हुआ दिमाग। मालिक देखिए, जरा चाल तो देखो, ऐसे अकड़ के चल रहा है जैसे हारा हुआ राजा जबरदस्ती चल रहा हो। अरे मैं तो खानदानी तलवार वाला हूँ और इसके पास तलवार तो एक तरफ, इतना छोटा सा बिना धार का चाकू भी नहीं है। छोटे बड़े भैया, छोटे बड़े, मेरे दूसरे चाचा के बेटे, मेरे करीब के रिश्तेदार, छोटे बड़े, बड़े भैया, बस आपकी दुआओं से नेक आशाओं से बिल्कुल अच्छा हूँ बड़े भैया। क्या बात है, आज बड़े मस्त हाथी की तरह अकड़ कर चल रहे हो। क्यों ना चलूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो है हमारी तारीखी चंद्रगुप्त मौर्य की खानदानी तलवार। पंचायत में फैसला करने जा रहा हूँ। तुम और पंचायत में फैसला करने? हाँ, उस रामू के बच्चे ने तुम्हें सबके सामने गाली दी है। बाबूजी मर जाऊंगा, बाबूजी मत मारो बाबूजी। और तभी इतनी मजाल के तू मेरे खिलाफ आवाज उठाता है खामखा? खेत सूख रहे थे, थोड़ा सा पानी मांगा, क्या इतना कहना भी कोई जुर्म है, कोई गलती है? आपने देखा बड़े भैया, इतनी मार खाने के बावजूद भी कहता है कि कोई गलती है। भगवान करे तुम्हारे हाथ टूट जाए, गांव के इतने बड़े बुजुर्ग होकर मासूम गरीबों को मारते हुए क्या तुम्हें अच्छा लगता है? कितनी बेदर्दी से मरा है इसे और तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ इसके लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। ए बसंती, तू हमेशा दूसरों के मामले में टांग अड़ाने आ जाती है खामखा। हाँ ठीक है, आज तो खैर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसे आएगी तो अच्छा नहीं होगा खामखा। चल छोटे खामखा चल। हाँ देख लिया तुम लोगों ने इसका अंजाम। हमारे मामले में अगर जबान खोलने की कोशिश की तो याद रखना मेरे पास तलवार भी है, उस तलवार से मैं तुम। हाँ,
क्या कर लोगे, क्या कर लोगे अपनी तलवार से? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था मैं इसकी रस्सियां काट दूंगा, इसको आजाद कर दूंगा। चल 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 बादल। बड़ा आया तलवार लेकर, जल्दी करो, लिटाओ इसे, जल्दी आओ। सुभाष बाबू तुम कब आए? अभी। एक बात बताओ बसंती, वो लोग जब इस गरीब को मार रहे थे तो इनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर मदद नहीं की? ये इसकी क्या मदद करेंगे, ये गांव के लोग जख्म खाना तो जानते हैं लेकिन जख्म का इलाज क्या है ये नहीं जानते। फौज में भर्ती होकर सिर्फ 3 सालों के लिए इस गांव से दूर रहा और इन 3 सालों में उन दोनों शैतानों ने अपनी जुर्म की आग में सारे गाँव को लपेट लिया और ये सारे गाँव वाले खामोश देखते रहे। वो इसलिए सुभाष बाबू कि जब किसी ने उनके खिलाफ जरा सी भी आवाज उठाने की कोशिश की तो उस आवाज को कोड़ों, लाठियों और हथियारों से दबा दिया गया। नहीं बसंती, अब ये गांव के लोग बेजुबान जानवरों की तरह डर कोरा घबरा कर नहीं जिएंगे, इंसानों की तरह जिएंगे और मैं इन तमाम गांव वालों के साथ लेकर इस जुल्म की आग को बुझा कराऊंगा। बेटा भगवान की कृपा है कि तू जंग से जीता जागता लौट कर आया और अब आते ही खतरा मोल लेना चाहता है। उनसे मत उलझना बेटे, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। ये क्या कह रही हो माजी? माजी याद करो, जब तुम्हारा ये बेटा अपनी देश की रक्षा करने के लिए लाखों दुश्मनों का मुकाबला करने जंग पर जा रहा था तो तुमने अपने हाथों से उसके माथे पर बहादुरी का तिलक लगाकर भेजा था और आज जब तुम्हारा यही बेटा अपने गांव की रक्षा करने के लिए सिर्फ 2 जालिमों से टकराने जा रहा है तो तुम उसे रोककर वो बहादुरी का तिलक पहुंच देना चाहती हो? ये देखा आप लोगों ने, ये गांव की बेटी की लाश नहीं लटक रही है, एक जीता जागता सवाल लटक रहा है और आप लोग सब जानते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है, लेकिन फिर भी किसी में हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ आवाज उठाए। एक बात याद रखो, अगर जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। जो इंसान अपना हक नहीं मांग सकता है वो बुजदिल है और बुजदिली इंसानियत के मजहब में सबसे बड़ा जुर्म है। ये देखो अपनी आंखों से देखो, उस दरबारी और तलवारी ने आप लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर सारे गांव में बर्बादी फैला दी है। ये लाइब्रेरी है, ज्ञान का मंदिर, यहाँ शराबें चल रही हैं। क्यों? इसलिए कि बदलती दुनिया का आप लोगों को कुछ पता ना चले। दरबारी मुर्गी खाना, जहाँ बच्चों की लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ मुर्गियाँ पल रही हैं ताकि गाँव का हर बच्चा मुर्गी का बच्चा बनकर रह जाए। भाइयों अभी वक्त है, जागो, इंसान बनो और सब मिलकर इस गांव की काया को पलट दो। आओ मेरे साथ। उस फौजी के बच्चे की ये मजाल कि गांव वालों को अपने साथ मिलाकर मेरे बसाए हुए मुर्गी खाने को उजाड़कर फिर से स्कूल बसाना चाहता है और मेरे शराब के अड्डे को बंद करवा कर लाइब्रेरी चालू करना चाहता है। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो मैं उसको बर्बाद करके रख दूंगा, मार डालूंगा उसको मैं। मालिक, आपके रक्षक, आपके बॉडीगार्ड। मेरे बॉडीगार्ड?
ये पानी की जगह कीचड़ में नहा के आए हो क्या? आजा चलो फौजी तो खत्म कर दिया ना खामखा। मालिक उस अकेले ने हम सबको बहुत पीटा मारे। क्या उस अकेले ने तुम सबको पीट डाला और तुम पहलवानों को शर्म नहीं आई? मेरा माल खा के सूरों की तरह फूल गए और अकेले से माल खा के चले? वो कोई मामूली आदमी नहीं मालिक, फौजी है। क्या ताकत है, क्या फुर्ती है। उसने हमें ऐसी ऐसी जगह कस कस के मारा जहाँ ना पट्टी लगा सकते हैं और ना कोई दवा कर सकते हैं। हमको माफ कर दो मालिक, हमसे ये काम नहीं होगा। चलो भाई चलो। मेरी बात सुनो खामखा। अरे ठहरो खामखा। अरे जा कहाँ रहे हो खामखा? अरे भैया यहाँ बैठिए, पहलवान तो गए अब आपके। अरे हो गई छुट्टी, ये छठे हुए बदमाशों के अकेले से मार खा के आ गए, अब उसको कौन काबू में करेगा खामखा? मेरे पास एक रास्ता है बड़े भैया, बताऊं? क्या? मान लो कि मेरी तलवार महान है, मैं ऊंचे खानदान का हूँ, रजवाड़े खानदान का हूँ, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मान लो। अरे अच्छा बाबा मान लिया, तू बुद्धिमान है, रजवाड़े खानदान का है, तेरे बाप दादा महान थे, उनको एक महान तलवार मिली थी जो गोबर के ढेर में पड़ी थी। नहीं, बार बार अपने गंदे शब्दों से मेरी खानदानी तलवार का इतिहास बदलने की कोशिश मत करो बड़े भैया। गोबर के ढेर से नहीं मिली थी ये मौर्यवंश तलवार। तलवार अंदर कर, उसकी दास्तान बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ उस मिलिट्री वाले का गला कैसे काटे। हाँ, तो अब मेरा शाही दिमाग ये कहता है कि उस पैंट वाले फौजी को मारने के लिए हमें भी शहर से पैंट वाले मंगाने पड़ेंगे। तो तुम कल ही शहर के लिए रवाना हो जाओ और सबसे खतरनाक गुंडे को ले आओ खामखा। भाई साहब ये आदमी कौन है? मजा आ गया। कौन है तू? महागुरु तेरा और इब्राहिम टपकड़ी का 36 का आंकड़ा है, वो तेरे को सुखी नहीं देख सकता। इसका वास्ते उसने मेरे को तगड़ी फीस देके तेरा हाथ तोड़ने को भेजा है। अबे तेरी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या है तेरी मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं? अरे दुश्मनी तो छोड़ो बाप, जान पहचान तक नहीं। आज तेरा हाथ तोड़ूंगा पर कल तेरी खबर लेने के लिए अस्पताल जरूर आऊंगा। आखिर इंसानियत भी तो निभानी चाहिए, मेरा साथ दे और ईमानदारी से मेरे को ड्यूटी पूरी कर लेने दे। Thank you.
इधर। हाँ तो गुंडों के देवता, मवालियों के नेता, मैंने एक से एक भयंकर गुंडा मवाली देखा है, मगर आप तो उनके मुकाबले में ऐसे हैं जैसे टिमटिमाते हुए दियों के बीच दोपहर का चमकता हुआ सूरज। आज अगर दुनिया में चारों तरफ गुंडागर्दी की शराफत जिंदा है तो बस आप जैसे महान लोगों के कारण जिंदा है। पड़ोस के घर में जाने के लिए आखी इंडिया का चक्कर क्यों लगा रहा है? शॉर्टकट में मतलब की बात कर। अब मतलब की बात यह है शहंशाह गुंडागर्दी कि मैं पास के गांव शांतिपुर में रहता हूँ। कल तक तो वहां पर बड़ी शांति थी, मगर आज वो शांति एक बदमाश की क्रांति के कारण भंग हो रही है। मतलब उसको ठिकाने पर लगाने का है ना? माल कितना देगा वो पहले बता। अब वो सारी बातें मैं तुम्हें गांव आने पर बताऊंगा, क्योंकि इस मामले को तय करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक साथी और भी है। अब जबरदस्ती का साथी है, बिल्कुल बेवकूफ है, डरपोक है, मेरे मुकाबले में तो बिल्कुल कचरा है। नो क्वेश्चन, अब कचरा ही सही है साथी जो है, इसलिए ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। है तुम एक काम करो, तुम ये कुछ पैसे खर्च पानी के लिए रख लो और कल गांव में आने की कृपा करो। कल आएंगे ना आप? अच्छी बात है। मालिक आपका हूं तैयार कर दिया है। मेरा मतलब फूलों की सेठ तैयार कर दिए, किसके घर भेजना है बलाए लेकर? अबे बीच के उस मिलिट्री वाले ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया खामखा। उसकी खटिया खड़ी करने के लिए हमें शहर से जल्लाद बुलाया खामखा। पहले उसकी खटिया खड़ी हो जाए, फिर हमारी खाट किसी के घर जाएगी खामखा। चलो। अबे तेरी तो, तेरा बाप का सत्यानाश हुआ है, कितना बंडल गांव है रे, चलने को भी रास्ता नहीं है, सड़क किधर है? अबे तेरी तो, ये छोकरी कह रहे तेरे इधर बाप के मशान पे खड़ी होकर मर्दों का ठकला फोड़ रही है, अगर कोई आंख दिखाए तो ये महागुरु साम जैसे फूंक करके खड़ा हो जाता है, और तू पत्थर मारी तेरी तो नीचे उतर। अरे इतना चूल्हे की तरह भड़क क्या रहे हो? मैं तो खेत से परिंदे उड़ा रही थी। परिंदा उड़ा रही थी और पत्थर मेरे को मार दिया, अभी तेरा दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ, नीचे उतर। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, पत्थर फिसल कर तुमको लग गया। देखो मैं जड़ी बूटी कुचल कर तुमको लगा देती हूँ, जख्म फौरन भर जाएगा। जल्दी से नीचे उतर और लगा दे, कल तक मेरा जख्म ठीक नहीं हुआ तो मैं तेरे हाथ पांव बांध कर मुंह में कपड़ा ठोस के इस गांव की नदी में फेंक दूंगा, समझे? लगा जल्दी। अरे कहाँ है वो तेरा महागुरु? दूर तक उसकी बारात नजर नहीं। अरे कब तक इंतजार करना पड़ेगा खामखा? अरे किले से उतरा हुआ झंडा नहीं गुंडा आ रहा है, और ऐसे महान लोग जब किसी नई जगह रहने जाते हैं तो पूरे साजो सामान के साथ जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। नो क्वेश्चन, ऐसी बड़ी हस्ती का आना कोई खाने का काम नहीं है। ए छोकरी पट्टी खुलेगी तो नहीं? नहीं खुलेगी बाबा। कल तक ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे जख्म का निशान भी भर जाएगा। नहीं भरा तो मैं तेरे मेरे हाथ पैर बांध कर मुँह में कपड़ा ठोस कर गाँव की नदी में बहा दोगे, है ना? करेक्ट, बहुत शानी छोकरी है, मतलब पकड़ लेती है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आ गया स्वागत है। स्वागत की माँ क्या साला, तेरा गाँव है गटर, अगर मुझे पहले मालूम होता कि गाँव इतना डब्बा है तो मैं आता ही नहीं। नहीं माफ करना, यहाँ क्या बारिश हो गई थी, मेरा नाम नागराज दरबारी है। नागराज दरबारी? तलवारी तूने किसी का नाम बताया था कि वो लुच्चा लफंगा गधा बेवकूफ डरपोक नागराज दरबारी फकीर सरकार यही है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये तो हमारे गांव के सबसे बड़े आदमी है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बड़े भैया हैं, शौकत वाले हैं, शान वाले हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। क्यों बे,
तू शहर जाके मुझे गालियां देकर आया? नहीं, नहीं, नहीं। मैं ऐसी जलील हरकत थोड़ी कर सकता हूँ। मैं विश्वास तोड़ सकता हूँ, भरोसा नहीं तोड़ सकता। हाँ गुरु, तुम्हारे सर पर ये पट्टी कैसी, कोई चोट लगी है क्या? क्या बेवकूफों जैसे सवाल पूछता है? अरे ये गुंडागर्दी के मेडल हैं जो शरीर पर चमड़े की वर्दी पर लटकते रहते हैं खामखा। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। चलो महागुरु, गेस्ट हाउस चलते हैं खामखा, ऐश करते हैं और दूसरी बातें करते हैं खामखा। एक मिनट तलवार, मुझे पहले ये बता कि वो लुच्चा आदमी कौन है? क्या करते हो यार? कौन सा लुच्चा आदमी? अरे ये सब ठीक है, लेकिन मेरा वो काम क्या है? देखो हम लोग बड़े नाजुक दिल वाले हैं, किसी की आंख में कतरा आंसू देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू का दरिया बह निकलता है खामखा। चोट किसी को पड़ती है तो दर्द हमें होता है खामखा। हाँ, और हमारे गांव में एक फौजी आया है जिसे खून देखने की आदत पड़ गई है। खून देखे बगैर जिसको नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता। और हम जिस काम से मना करते हैं वो जानबूझ के वही काम करता है खामखा। हमने कहा नहर मत खोद, वो नहर खोदने चला गया खामखा। 10 आदमी इकट्ठा कर लिया उसने नहर खोदने के लिए। बोलो अब तो गुरु, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। इससे पहले कि उसका फौड़ा जमीन का सीना चीर डाले, तुम उसका सीना चीर के उसका दिल निकाल डालो खामखा। देखो भाई, अपुन स्पेस पास का धंधा करता है, तुम किसी की टांग मांगो अपन तोड़ कर ला देगा, हाथ मांगो उखाड़ कर ला देगा, मगर तुम बोलो किसी को लुटका दो, किसी को जान से मार डालो, ये अपन नहीं करता। क्या चाहिए, उसका हाथ या पैर? मैं चाहता हूँ उसका हाथ तोड़ दो, उसकी टांग तोड़ दो। मैं जब हाथ की बात कर रहा हूँ तो अपनी टांग बीच में क्यों गुजर रहा है? जब मैं पैर की बात कर रहा हूँ हाथ क्यों बीच में गुजर रहा है? तू पैर का क्या कर रहा है? हम हाथ निकाल भी ले तो वो हम पर हमला कर सकेगा नहीं? कैसे काम का? देखिए जब हम सो रहे होंगे तो वो पैरों पर चलकर आएगा और पैरों से हमारा गला कुचल देगा, समझे कि नहीं? हाँ बाद में कोई खास दम तो नहीं है, मगर तेरा दिल रखने को मान रहा हूँ। महागुरु मेरा ख्याल है उसका पैर तोड़ दिया जाए। ओ मिलिट्री वाले, ये गांव है कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, और ये भूखे नंगे कोई फौजी जवान नहीं है, इसलिए नाला खोदने का ख्याल दिल से खोद के निकाल दे और घर वापस चला जा खामखा। तुम्हारी ये धमकियां मेरे इरादों के कदम को नहीं रोक सकते। मैं इन गरीबों के हक और इंसाफ के लिए जिंदगी की हर जंग लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, इससे बात करना बेकार है, बुलाओ उसको खामखा। श्री महागुरु जी। देखो अपनी और तुम्हारी दुश्मनी तो एक तरफ, जान पहचान भी नहीं है, मगर क्या है, जैसे तुम वर्दी पहनकर जंग लड़ने जाते हो वैसे मैं अपनी फी लेकर ऑपरेशन करने जाता हूँ। आज मुझे फीस मिली है और ऑपरेशन तुम्हारा है। माफ करना, पहले फैसला कर लेते हैं, बाद में तबीयत पूछने जरूर अस्पताल आऊंगा, ठीक है ना? Thank you.
निशाने पे मारेंगे। तुम हो हिरनिया हम है शिकारी, मस्ती तुम्हारी उतारेंगे। डालो जी तुम जाल, डालो जी जाल मुझ पर डालो जी। डालेंगे हम जाल, डालेंगे जाल तुझ पर डालेंगे। अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तो खानदान का लड़का होना चाहिए क्या? नहीं, यू आर राइट अंकल। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तुम दोनों की आरती को कांदा दूंगा, उसके बाद मरूंगा। हाय, छोड़ मेरा रास्ता। मान लो एक लड़की है, लड़की है तो खूबसूरत होगी, खूबसूरत है तो अपनी तरफ खींचेगी। छोड़ छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं जानता था तुम भागोगी, ज्यादा भागी तो क्या हुआ? थक गई तो मिल जाओगी, मिल गई तो क्या होगा? तेरी तो ओ
लगता है मैं नागराज दरबारी का भंजो, तेरी ऐसी तैसी करवा दूंगा मैं। अगर तेरा मामा भी ऐसी कमीने हरकत करेगा तो उसकी भी मैं तेरी तो कर दूंगा। हो सकता है कि आसानी से पैसे कमाने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया हो, पर पता नहीं आज मेरा दिल कह रहा है कि काम तो वो गुनाहों का करता है मगर उसके दिल के किसी कोने में अभी भी इंसानियत जिंदा है, मरी नहीं। हाँ भैया, तभी तो उसने मुझे बचाया। उसने तुम्हें बचाया मगर तुम्हारे भैया को अपाहिज भी तो उसी ने बनाया। बसंती, इंसान माँ के पेट से गुनहगार पैदा नहीं होता है। जुर्म की साए में, हालात की ठोकरों से, बुरे लोगों के संगत में बहक जाता है। इस विजय को जिसे हम गुंडा समझते हैं, बुरा आदमी समझते हैं, कहीं एक बार वो सही रास्ते पे आ जाए तो मुमकिन है इस गांव को धीरज देने वाला फरिश्ता बन जाए। लक्ष्मी, सुभाष बाबू की कही हुई बातों में कुछ तो सच्चाई है। कोई उस गुंडे को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करता? नहीं बसंती, उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। उसे इंसान बनाने के लिए भगवान को आकाश से धरती पर उतरना पड़ेगा। भगवान को धरती पर आने की क्या जरूरत है? धरती के इंसान ही कोशिश कर सकते हैं। मतलब? मतलब ये कि मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगी। तुम? अभी तक किसी मर्द ने उसे ठीक करने की हिम्मत नहीं की और तुम एक औरत होकर? लक्ष्मी, औरत जब मन में कुछ ठान लेती है ना तो उसे कर दिखाती है। और तुम देख लेना, मैं उस गुंडे को एक शरीफ इंसान बनाकर ही रहूंगी। अजी ओ सैया जी। किससे बोले? तुमसे। क्या बोले? सैया। क्या? औरत जब किसी से प्रेम करती है ना तो उसे प्यार से सैया, बलमा, राजा कहती है। तू 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 मेरे से प्यार करती है? सारे पहले क्यों ना बोली? औरत प्यार दिल से करती है और इजहार आंखों से, इसलिए मर्द को आंखों की जबान पढ़ लेनी चाहिए। अरे मेरे को कागज पर लिखी जबान नहीं आती तो आंखों की जबान मेरा बाप पढ़ेगा। अच्छा तो ये बताओ मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जिस तरह सज धज के आई है लगता है तेरा घूमने फिरने का इरादा है और सैया बोलकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्यों? हाँ मेरे राजा, पड़ोस वाले गांव में तंबू वाले सिनेमा में हिम्मत वाला चल रही है, तू भी तो बड़ा हिम्मत वाला है, ले चल ना। अब क्या बोलूं? अंधा है क्या? अंधेरे में गलती से घर पड़ गया, चिल्लाता क्या है? अबे अंधे चिराग की औलाद, अब तेरी आंखों में लालटेन फिट कर दूंगा। क्यों बसंती, क्यों इतनी देर खड़ी हो? नजदीक आना। अबे ऑपरेटर, सिनेमा चालू कर बे। अरे कैसे चालू कर दूं, शहंशाह गुंडा कर दी, ये कैसी शराफत है, ये कैसा इंसाफ है? बाहर जो खड़े हैं उन्होंने भी तो टिकट ली है, उन्हें अंदर बुला। खामोश बदतमीज, माँ बदौलत अपने माशूका के साथ अकेले सिनेमा देखेंगे। बसंती, सिनेमा तो दिखा दिया, अब दूसरा प्रोग्राम भी हो जाए। जी जी जी, कैसी बातें करते हो? अरे दिल लगा है तो बातें ऐसी ही होंगी, मगर एक बात समझ में नहीं आई, आज तो इतनी मेहरबान क्यों है मुझ पर? अरे बोलना, बोल। बाद में बताऊंगी। अरे बाद में क्या, अभी बोलना। अरे बोलना, तेरी तो बसंती। Thank you.
पैसे लिए थे क्या? जाओ मारो उसको। लगी तो नहीं तुमको? अब मुझे पता चला कि तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ तक क्यों लाई थी। ये क्या कह रहे हो? मैं उन लोगों को जानती तक नहीं। बड़ी शानी बनती है। मैं तो ऐसे सौ सौ को नींद में बिना आंख खोले मार देता हूँ, समझे? दोबारा मेरे साथ ऐसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो इस तालाब में तेरी लाश बहती नजर आएगी। तो कौड़ी की लौंडिया की इतनी हिम्मत? तुमने सिखानी कि हम जिस चीज पे नजर डालते हैं वो चीज हमारी हो जाती है? कहा तो कहने लगी तुम्हारे मालिक तो कुत्ते बिल्ली घोड़े गधों पर भी नजर डालते हैं, उन्हें क्यों नहीं ले जाते? अच्छा, उसके मुंह में भी जबान आ गई खामखा। वो शायद नहीं जानती कि उसका दादा अब तक मेरा कर्जदार है। जानती है। एक काम करो, सबके पैरों पर चल रखता हूँ, मुझ पर रहम करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मुझ पर तरस खाई। मुझ बाप बेटी के सर छुपाने के लिए यही घास फूस की झोपड़ी रह गई है, इसे मत उखाड़िए। ए भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे घर को मत गिराओ। अरे गरीब के घर को मत जाओ रे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। चलो उठो जी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, उठो ना। अरे उठो ना, मैं खाना अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। और उन्हीं हाथों से उसमें जहर भी मिलाया होगा। तेरे सब शेदा इरादे जानता हूँ, प्यार के जाल में फंसा कर मेरी जान लेना चाहती है। चुप, ज्यादा नाटक नहीं। उस दिन सच दस के मुझे सिनेमा के बहाने अपने साथ ले गई गुंडों से मरवाने के लिए, और जब अपनी चाल में नाकाम रही तो फिर आज उसी तरह सच दस के खाना लाई है, जहर मिला के लाई है ना। बस बहुत हो गया, जहर खाने में नहीं है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिमाग में है। अगर इसमें जहर है तो ये जहर वाला खाना पहले मैं खाकर दिखाती हूँ। औरत जिससे प्यार करती है उसके लिए अपनी जान दे देती है, उसकी जान नहीं लेती। मैं जानती हूँ तुम मुर्गी शौक से खाते हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं अपनी काली मुर्गी पकड़ने के लिए गई। उसके पीछे भागते भागते तीन चार बार गिरी, देखो मेरे दोनों घुटने छिल गए। औरत जिसके लिए खाना बनाती है उसमें प्रेम का अमृत मिलाती है, जहर नहीं। देखो देखो मैं खा रही हूँ, मर गई क्या? ये देखो, ये बैंगन लाने के लिए मैं खेत गई थी और वहाँ इतने बड़े बड़े कांटे मेरे बदन में छुप गए। कहाँ गए? अंदर होंगे। घुटने छिलने की तकलीफ, कांटों का दर्द, ये सब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाते वक्त भूल गई। और तुम कहते हो कि मैं इसमें जहर मिला के लाई हूँ, अगर इसमें जहर है तो मैं मरती क्यों नहीं? अरे मेरी कट्टू, जिन हाथों से बना के लाई है अब उन्हीं हाथों से खिला भी दे। नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी। नहीं नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी। अच्छा बाबा, खिलाती हूँ। अरे कहाँ जाती हो? Oh!
फिर मिलने आप कब आएंगे? जब मिलने का मौका पाएंगे। और फिर मिलने आप कब आएंगे? जब मिलने का मौका पाएंगे। इंतजार में अध मर जाएंगे। हम रोज रोज कैसे आएंगे? आप ना आए तो हम पूरे मर जाएंगे। ए, ए, फिर मिलने आप कब आएंगे? जब मिलने का मौका पाएंगे। देर लगाई अरे चूड़ियों की ठनक बताती है सबको, हाय पांव की पायलियां जगाती है सबको। रमा रमा आती हूँ मिलने को ताकती है सखियां, हम खुद ही उनको बताएंगे, रिश्ते की बात चलाएंगे, राजी ना हुई जो तू अकेले जाएंगे। फिर मिलने आप कब आएंगे? जब मिलने का मौका पाएंगे। क्यों इतना गुस्सा? क्यों आज भी देर लगाई? घर वालों से भी घबराई। शर्म और डर को प्यार नहीं जानता, किसी भी दीवार को प्यार नहीं मानता। ओ हो ओ राम राम ओ हो। तेरे मेरे बीच में कोई भी जो आएगा, हाथ तोड़वाएगा या पांव तोड़वाएगा। हम सबको प्यार से मनाएंगे, मियां बीबी बन के दिखाएंगे, डोली डोली के तो हम घर जाएंगे। फिर मिलने आप कब आएंगे? शादी के दिन हम आएंगे। फिर मिलने आप कब आएंगे? चले आओ। ओए ठहरो, उतारो। अबे इस घर के लिए तो मेरे मालिक ने ये खाट भेजी है बलाएं लेकर, तुम हुआ कहां से आ गया अपने मालिक की यार्थी लेकर? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ कहाँ अनमरे? इस घर की औरत को तो मेरा मालिक चाहता है। चल फुट ले जा अपनी खटिया यहाँ से। अरे तेरी इतनी हिम्मत? अरे चमचे ये देख, टूटी हुई खाट का टुकड़ा। ये सब टुकड़े जमा करके ले जा और अपने मालिक को दे, उसकी अर्थी के काम आएंगे, खर्चा बचेगा बनाए लेके। चला रे। ठीक मालिक। चल बाहर जा, बाहर जाओ, रास्ते पर खड़ा हो और वो नागराज दिखाई दे तो मालूम है ना क्या करना है? बिल्कुल मालूम है। क्या करेगा?
ये सब क्या है तलवार? अरे गुरु देखो तुम्हारे लिए खास खास नजराने लाया हूँ। ये अपना खास आदमी शहर बेचकर तुम्हारे लिए विस्की मंगवाई है, स्पेशल नरम नरम मुर्गी के चूजों की बिरयानी बनवाई है, और ये फल तो मेरे खास बाग के हैं। बस तुम विस्की पियो, बिरयानी खाओ, फल खाओ, शुरू हो जाओ। देखो बादशाह, 11 लाख फांदेबाज मरे थे तो मैं पैदा हुआ था। ये बिरयानी का मस्का लगाकर तू मेरे से कोई लंबा काम निकालने का प्लान बना रहा है ना? बोल क्या काम है? बोलता हूँ महागुरु, बोलता हूँ, पहले अपनी फीस तो रख लो। बोल। बोलता हूँ, वो नागराज दरबारी है ना, उसे अकेला आते देखकर तुम फौरन किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ, और झट से जैसे ही वो आएगा झाड़ी से निकलकर उसका गला पकड़ लो, और फिर उसको इधर से मारो, इधर से कसके घुसे लगा के जो मारो उसको, उसको आधा काला कर दो आधा नीला। अबे रास्ते हराम के बीच के। अरे बड़े भैया। क्या? बड़े भैया आपने अपने सर पर ये पट्टियाँ क्यों बांध रखी हैं? मेरा सर है, मैं इस पर पट्टी बांधू, धोती बांधू, साड़ी बांधू, लंगोट बांधू, तुमको मेरे सर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है खामखा? बस यूं ही बड़े भैया, क्या है कि बगैर वजह के तो कोई अपने सर पर पट्टियाँ बांधता नहीं है, लगता है आपको कोई भयानक चोट लगी है। हाँ मुझे चोट लगी है खामखा, मुझे दर्द हो रहा है खामखा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ खामखा, खामखा, मगर तुम्हें मेरे लिए इतना दुख, इतना अफसोस क्यों हो रहा है खामखा? मगर आपको ये चोट लगी कैसे? जरूर कोई वजह होगी। हाँ है। क्या है? मैं वक्त गुजारने के लिए एक ताड़ के पेड़ के नीचे टहल रहा था, ऊपर से कितना बड़ा ताड़ मेरे सर पे भार से गिर पड़ा और सर फूट गया। नहीं 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 नहीं, ताड़ का तो आजकल मौसम ही नहीं है, जब पेड़ पर उगा नहीं तो आपके सर पर गिरा कैसे? आपकी पट्टियां देखकर जरूर लगता है कि आपको किसी ने लाठियों से मार मार के आपके टकले को सुजा दिया है। अबे जाना, क्यों मेरे जख्मों में नमक छिड़क के घुटनों से मसल रहा है? तू मेरा हाल पूछने आया कि मेरा हाल बिगाड़ने आया? चल जा। अरे जा मेरे बाप जाना। कमाल है, मैं तो तुम्हारा मिजाज पूछने आया था। अरे मिजाज की जाता है नहीं बड़े भैया। अरे कोई बड़ा भैया नहीं। अच्छा अच्छा तुम आराम करो, मैं बाद में तुम्हें परेशान करने आता हूँ, मेरा मतलब है तबीयत पूछने। हरामखोर, लुमड़ी की औलाद, भाई की शक्ल में कसाई, इस सारे नाटक के पीछे तेरा हाथ लगता है। अगर मैंने भी तेरे खानदान के पुराने इतिहास का सत्यानाश नहीं किया तो मेरा नाम भी खामखा का दरबारी नहीं। कर ले सेवक की छोटी सी भेंट स्वीकार माता तलवार। अरे अरे मेरी तलवार कहाँ गई, मेरी तलवार? अरे अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, तबाह हो गया, मेरी खानदान की इज्जत के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ के रो रहे हो खामखा? कोई करीबी रिश्तेदार मर गया है क्या? अरे भाई साहब, कोई रिश्तेदार मर जाता तो इस तरह फूट फूट कर थोड़े ही रोते। कल रात में जाने कौन कम्बख्त घर में घुस आया और इनकी तलवार तोड़ डाली, तब से रो रो के बुरा हाल है तलवार के लिए। तलवार टूट गई? अरे रे 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 रे, तू 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 तू, वो तलवार जिसके पीछे तुम्हारी बहादुरी की दास्तान थी, रोशन इतिहास था, वो तलवार टूट गई? अरे रे 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 रे, बड़ा दुख हुआ सुनकर। इस तलवार के टुकड़े नहीं हुए, तुम्हारे खानदान के टुकड़े टुकड़े हो गए खामखा। अपने दिखाने को तलवार है खामखा, न सुनाने को कोई इतिहास है खामखा। अरे तलवार नहीं है तो क्या हुआ, सुनाने के लिए तलवार की कहानी तो है। किस मुंह से सुनाओगे, इस मुंह से? थू। अरे जब वो महान तलवार ही टूट गई तो फिर तुम्हारे खानदान के इतिहास एक सूखी घास बन के रह गया है। होता है, बड़े बड़े इतिहास बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ सुनकर। तुम रो, खूब रो, इतना रो कि तुम्हारा घर आंसुओं से भर जाए खामखा। तुम गुमनाम से बदनाम आदमी बनकर रह जाओ खामखा। मैं चलता हूँ खामखा, मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता खामखा, मैं फिर आऊंगा खामखा। तब तक तुम रोते रहो खामखा, सड़ते रहो खामखा। नो क्वेश्चन दरबारी, ये तेरी चाल है मक्कार, अपने टूटे हुए सर का बदला तूने मेरी तलवार से लिया, अब इस टूटी हुई तलवार से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माफ करना माता। अरे अरे मैं हूँ मैं। ये ले, संभल के चला कर। सुनो, इस गांव के लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखा है, तुम्हारा दिल नहीं। मैंने तुम्हारे अंदर छुपे हुए इंसान को देखा है, इंसानियत को देखा है। देखो, भगवान ताकत देता है रक्षा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। आज ये गांव दो शैतानों की लगाई हुई आग में जल रहा है, उनके जुल्म ने इस गांव वालों को
मेरी तरह आभाइश कर दिया है, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपनी ताकत को इस गांव की बैसाखी बना दो और अपने अंदर सोए इंसान को जगा दो। अबे तेरी तो ये भाषण इधर नहीं करना, किसी इलेक्शन में जाकर करना, मिनिस्टर बन जाएगा। मेरा नाम विजय नहीं, महागुरु है। अपन जानता है किधर ताकत दिखाने का, किधर नहीं दिखाने का, समझा? समझ ले। कल मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, लेकिन बहुत मिर्च डाल दी। सुनो बेटी, जरा इधर आओगी? कहिए। गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैं अपने बेटे का लगन नागराज दरबारी की बेटी के साथ तय करने जा रहा हूँ। ओ, आप नागराज के घर जा रहे हैं? हाँ। तो माफ कीजिएगा, इस वक्त आपकी गाड़ी तो क्या, अगर आप भी प्यार से तड़प रहे होते तो मैं आपको भी एक बूंद पानी नहीं देती। चल लक्ष्मी। बाबूजी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, दिमाग की जरा गर्म है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लीजिए, आप मुझसे पानी ले लीजिए। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। तुम्हारे पिताजी का नाम? पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन माँ है, सुभाष भैया है। बेटी, पानी तो तुमने हमें दे दिया, पानी देने दोबारा जाओगी? तो क्या हुआ बाबूजी, लड़कियां ही तो घर का काम करती हैं, ये तो उनका धर्म है। अच्छा बाबूजी। अरे वाह लड्डू, पिताजी पिताजी, ये सब मेरे लिए है। चमेली, बैठ जाओ खामखा। क्या है कि सिर्फ दिखने में बड़ी हो गई है, बचपन नहीं गया इसका अब तक। बेटी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? कहीं तक नहीं, मैं पढ़ाई से नफरत करती हूँ। अगर तुम्हें पढ़ाई अच्छी लगती है तो जाओ स्कूल में भर्ती हो जाओ। चमेली, क्या है, ये मेरी इकलौती बेटी है, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला, इसलिए कभी कभी उल्टे सीधे जवाब दे देती है खामखा। आप इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। जी बेटी, तुम्हें संगीत पसंद है? संगीत नहीं, मुझे गीत पसंद है, फिल्मी गीत। सुनाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। लड्डू, अभी क्या है, लड्डू है ना, मेरा मतलब बच्ची है। आप जायज की परवाह मत कीजिएगा, जितना कहेंगे मैं आपको पैसा दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए खामखा। अगर आपने मुझे पसंद नहीं किया तो मैं आपको इस लड्डू से मारूंगी, इससे खा भी सकते हैं और सर भी फोड़ सकते हैं। ऐसा मत करना, इससे पहले तुम हमें ये इज्जत दो, हम चलते हैं। देखिए साहब, मैंने आपसे पहले कहा था ये भी बच्ची है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तो शादी की कौन सी तारीख पक्की की जाए खामखा? जी घर जाके आपको मैं खत लिखूंगा, चलता हूँ। ड्राइवर साहब, गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ आइए भाई साहब। सुनिए, यहाँ मिलिट्री ऑफिसर सुभाष बाबू का घर कहाँ है? ये जो रहा सामने, बस वही है। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए। कॉफी ठीक है खामखा? पियो कॉफी, पियो। तू फिर क्यों दिमाग फिराने चलाया खामखा? दिमाग फिराने के लिए नहीं आया हूँ, ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ। अरे मेरी तलवार कितनी महान। अरे लहर भेजो तुम्हारी तलवार पे, चला गया। अरे सुन तो लो, जिस तरह मेरी तलवार के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसी तरह बहुत जल्द तुम्हारी इज्जत के टुकड़े होने वाले हैं, तुम्हारी शान के टुकड़े होने वाले हैं, तुम्हारी नाक के टुकड़े होने वाले हैं। अबे क्या बकवास करता खामखा। अजी आगे तो सुनो, उस लंगड़े मिलिट्री वाले ने ऐसी चाल चली है कि जो बारात तुम्हारे घर आने वाली थी अब उसके घर घुस जाएगी। क्या बकता है, ये नामुमकिन है, कोई माई कलाल मेरे खिलाफ चाल चल कर जिंदा नहीं रह सकता। मैं वो नाग हूँ जिसमें जहर का दरिया मुझे मार रहा है, ये गांव मेरे जहर का तालाब है, कोई मेरा दुश्मन इस तालाब में जिंदा नहीं रह सकता। बिजली, ये 5000 एडवांस उस महागुरु को दे, उससे कहे कि मेरा हुक्म है उस मिलिट्री वाले की दूसरी भी टांग तोड़ दे खामखा। देखो बहन, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया और लड़की ने लड़के को, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारी तरफ से दहेज की कोई मांग नहीं, जितनी जल्दी हो तुम शादी का मुहूर्त निकाल कर शहर आ जाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन इतने बड़े घराने में जा रही है। आपके घर की बहू बनने के लिए हमारी लक्ष्मी ने पिछले जन्म में जरूर कोई बड़ा पुण्य किया होगा, वरना कहाँ आप और कहाँ हम। हाँ लक्ष्मी, और अगर इस जन्म में भी तुम अपनी पति की सेवा करके पुण्य कमाओगी ना, तो अगले जन्म में भी यही तुम्हारे पति बनेंगे। अभी आई। अरे विजय, तुम
अच्छा समझ गई, नारियल की तरह तुम बाहर से कड़क और अंदर से नरम हो, सारी दुनिया को डराते हो मगर दिल में प्यार लिए घूमते हो। जो एक लड़की की इज्जत को बचाता है वो उसके लिए भाई समान होता है, शायद इसलिए लक्ष्मी की सगाई पर उसे आशीर्वाद देने आए हो, है ना? चलो अंदर आओ। नहीं बसंत। क्यों नहीं, तुम्हारी बहन की सगाई हो रही है, अंदर आओ, उसे तोहफा दो, उसे आशीर्वाद दो। नहीं बसंत, मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा देना और मेरी तरफ से ये तोहफा उसे दे देना। इतने सारे पैसे? अरे देने वाला ऊपर है। ठीक है, तुम उस मिलिट्री वाले को मारे बगैर लौट आए? अरे कभी अमराज किसी के घर किसी की जान लेने जाए, वहां उसकी बहन की शादी हो रही हो, तो क्या वो शादी के लड्डू खाकर उसकी बहन को आशीर्वाद देकर खाली हाथ लौटाएगा? नहीं, उसकी जान लेकर लौटेगा। एक बात याद रखो, गुंडा और यमदूत मौत के दूत होते हैं, उनके न दिल न जज्बात होते हैं बल्कि घूंसे और लात होते हैं, याद रखना इस बात को। ये है वो तस्वीरें जो दरबारी और तलवारी के अत्याचारों को साबित करेंगी, और मैंने इस फाइल में सरकार को उनके जुल्मों के बारे में साफ साफ लिख दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमें उनके जुल्म और अत्याचारों से बचाएगी और हम फिर से इंसानों की तरह जी सकेंगे। अगर आप लोग शांतिपुर में फिर से शांति देखना चाहते हैं तो इस पर दस्तखत करना होगा। करेंगे, जरूर करेंगे। भैया तुम शहर जा रहे हो ना, मेरे और बसंती के लिए एक जैसी चूड़ियां लेके आना, ज्यादा मत लाना, बस थोड़ी सी। ज्यादा क्यों नहीं, पूरी दुकान ही ले आऊंगा। ओह भैया मजाक मत करो, और हाँ हरे रंग की चूड़ियां लेके आना, समझ गए ना? और हाँ एक बात तो मैं भूल ही गई, वो है ना भैया, दो साड़ियां लेके आना लाल रंग की, एक मेरे लिए एक बसंती के लिए। बस बस ना, क्या और भी कुछ बाकी है? बस भूलना मत भैया। अरे पगली, जब शहर से तेरे लिए दूल्हा ला रहा है तो फिर तेरी साड़ी और चूड़िया क्यों नहीं लाएगा? हूँ देखो ना माँ। माँ देखा कैसे शर्मा गई। हाँ बेटे, ये पंडित जी की दी हुई लगन पत्रिका, भगवान का नाम लेकर शहर जा और अपने मकसद में जल्दी से सफल होकर आ जा। जरूर सफल होकर आऊंगा माँ, मैं सिर्फ अपनी बहन का घर बसाने के लिए नहीं, इस गाँव का सुख भी लेने जा रहा हूँ। और दोबारा जब मैं इस गांव की जमीन पर कदम रखूंगा तो देख लेना माँ, दुख और गम हमेशा के लिए इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। गुरु सुना है, आज तक जो कुछ करते आए और कर रहे हैं, उस लंगड़े मिलिट्री वाले ने कर्जी लिख कर तमाम गांव वालों के दस्तखत ले लिए खामखा, और उस अर्जी को लेकर शहर कलेक्टर के पास जा रहा है खामखा। सुना ये कलेक्टर बहुत सख्त आदमी है, अगर ये अर्जी उसके पास पहुंच गई तो समझ लो हम लोग जेल पहुंच गए खामखा। हां हां नो क्वेश्चन। देखो गुरु देर मत करो, इससे पहले कि वो शहर पहुंचे तुम उसको ऊपर पहुंचा दो। अबे तेरी तो, मैंने पहले ही बताया था कि मैं वैज्ञानिक हूँ, पेट बस का धंधा करता हूँ, अक्की गाड़ी नहीं तोड़ता, खून करना अपनी पॉलिसी के अग्रीमेंट पे नहीं है, समझा? अरे मगर मेरे बाप, कभी कभी मौके की नजाकत को देखकर पॉलिसी बदल देनी चाहिए। मैं नहीं बदलूंगा। अच्छा मत बदलो भाई, मगर एक काम तो कर सकते हो ना। क्या? उसको हमारे खुफिया शीश महल में पहुँचा दो खामखा, हमारे लिए इतनी काफी है, और ये तुम्हारे जेब खर्च के लिए। अबे ओ फौजी नीचे उतर। किस लिए? सुना है तो एक अर्जी पर सारे गांव वालों के दस्तखत लेकर और कुछ तस्वीरों के साथ कलेक्टर से मिलने जा रहा है, प्यार से वो अर्जी और तस्वीरें मेरे हवाले कर दे। नहीं कुछ भी नहीं। अबे तेरी तो टांग चली गई मगर अकड़ वही गई, मुझसे झूठ बोलता है, देता है कि नहीं? अबे तेरी तो। अपनी फीस लेकर मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मैं चलता हूँ। बेटी सुभाष ने तो कहा था कि 4 बजे तक लौट आऊंगा, अब तो रात हो गई अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि शहर में कोई जान पहचान वाला मिल गया हो और थोड़ी देर के लिए उसके घर चले गए हो। नहीं नहीं वो इतनी देर किसी के घर नहीं रुकेगा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। लंगड़ा सिपाही कलेक्टर के पास हमारी फरियाद लेकर जा रहा था, और आप हमारे सामने पड़ा हुआ है। बोल वो तस्वीरें वो कागजात कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? ये लीजिए। अबे रंगाड़ी, अपनी बसंती पे कौन सा रंग खिलेगा वो अपन जानता है, समझा? वो लाल रंग की साड़ी निकाल। भले जान से मार दो लेकिन मैं
मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा? ए, पकड़ इसको। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। विजय। मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। विजय। कौन विजय? आप कौन बुलाया रहा? अरे तू मेरी रानी, मेरी लैला, मेरे बुलबुल, तू मेरा रास्ता देख रही थी। हाँ, पर क्या बात है, क्या बात है। मुझे आपुर भी खाली हाथ में आया। देख ये साड़ी तेरे लिए ला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पहनोगी तू, एकदम स्वर्ण सुंदरी दिखोगी। और तेरी फूल जैसी नाजुक कलाएं के लिए ये चूड़िया लाए पहलो। इतना ही नहीं है, और देख इतने सारे पैसे तेरे लिए, सब तेरे लिए। रख ले। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कमाए मेरी फीस के पैसे। वो दो कफन चोर मुर्गी की औलाद है ना, नागराज दरबारी और श्याम कुमार तलवारी, उन्होंने कहा कि मैं वो साला वो फौजी लंगड़े को उनके हवाले कर दूं तो वो मेरे को माला माल कर देंगे। तो आपने उस साले लंगड़े फौजी को उठा के उनके सामने फेंक दिया भाई। क्या तुमने सुभाष बाबू को उन दरिंदों के हवाले कर दिया? हाँ बिंदास। अगर उन्होंने सुभाष बाबू को कुछ कर दिया तो? करे वो, अपने बाप का क्या जाता। अरे वाह, तुमने एक जीते जागते अपाहिज इंसान को उन जालिम दरिंदों के हवाले कर दिया और कहते हो तुम्हारा क्या जाता है। अगर सुभाष बाबू को कुछ हो गया तो उसकी बहन लक्ष्मी जो दिन रात अपने शादी के सपने देख रही है उसके वो सारे सपने टूट जाएंगे, उसकी बूढ़ी माँ बेसहारा हो जाएगी। मगर तुम्हें उसकी क्या परवाह? सुभाष बाबू को उनके हवाले करने की फीस से मेरे लिए ये तोहफा ना हो, ये लो अपने तोहफे, संभालो इसे, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें फीस देती हूँ, ये लो मेरी चूड़िया, ये लो। अब जाओ और किसी भी तरह से सुभाष बाबू को सही सलामत वापस ले आओ। बस बस बहुत हो गया, तू चाहती है ना कि वो फौजी सही सलामत वापस आ जाए? आ जाएगा, मैं खुद उसे वापस लेकर आऊंगा। अरे बड़े भैया कोई फायदा नहीं, ये मरता मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं कमबख्त। एक काम करो, इसको ले जाकर बहती नदी में फेंक दो, ये भी मर जाएगा और उसने हमारे खिलाफ जो सबूत पैदा किए वो भी खत्म हो जाएंगे खामखा। ले जा। वो फौजी कहाँ है? अरे वो तो बहुत हरामी था साला, मार खाता जा रहा था मगर जबान नहीं खोल रहा था खामखा। मैंने अपने आदमी से कहा उसको नदी में बहा दो खामखा। अबे चेतो। और आज उसकी जान ले ली। जालिम,
जिन हाथों से तूने मेरे बेटे की जान ली है, उन्हें हाथों से हमारी भी जान ले ले। अब हम उसके बगैर जीकर क्या करेंगे? नहीं दाई, वो इस बहन के लिए शादी का बंदोबस्त करने गया था और तूने उसे जान से मार डाला। मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मेरे बेटे को मारकर एक माँ की गोद जला डाली। तेरी भी कोई माँ होती, कोई बहन होती तो ये पाप करने से पहले तेरे हाथ कांप जाते। लेकिन तू इंसान कहाँ है? तू तो जानवर है, जानवर। मेरे बेटे की जान तो ले ली, अब बता उसकी लाश कहाँ है? कहाँ है मेरे बेटे की लाश? कहाँ है मेरे बेटे की लाश? माँ जी, बता कहाँ है मेरे बेटे की लाश? छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बताओ, बताओ। तुम तो मेरी बात सुनो। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर बड़ी गलती की। तुम्हें वहशी या जानवर बनाया होता। जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस गांव में पड़े हैं, तब से इस गांव का सुख चैन शांति सब खत्म हो गई है। चले जाओ, निकल जाओ इस गांव से, मैं कहती हूँ चले जाओ। चल लक्ष्मी। ताकत देता है रक्षा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपनी ताकत को इस गांव की बैसाखी बना दो और अपने अंदर सोए इंसान को जगा दो। विजय, बात है गुरु, ये ग्लास और बोतलें क्यों तोड़ दिखा मखा? ये भयानक नुमाइश क्यों की है भाई? हम तो कब से आपको घर पे बुला रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हारी तो चल जाओ इनसे। हम पे क्यों लाल पीले हो रहे हो खामखा? कोई गलती हो गई क्या? अरे भाई, रहने को गेस्ट हाउस दिया खामखा, अच्छा खाना दिया, अच्छी शराब दी और साथ में फीस भी दी खामखा। ये सब देकर ही तुमने मुझसे गंदे काम करवाए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी का खून नहीं करता, इसलिए उस फौजी को तुम्हारे हवाले कर दिया और तुम लोगों ने उसे जान से मार डाला। अरे हम कहां उसे जान से मारना चाहते थे, वो तो तुम्हारी मार खा के अधमरा हो गया था। हमने तो सिर्फ उससे तस्वीरें मांगी थी, उसने देने से इनकार किया तो हमने जरा सा धक्का लगा तो मर गया। नो क्वेश्चन, नो आर्गुमेंट। अब उसकी तकदीर में जिंदगी इतनी लिखी थी, तुम मर गया। तुम नहीं जानते, तुमने उसे मारकर और कई इंसानों को मार दिया। उसकी माँ और बहन के लिए अब इस दुनिया में सिवाय आंसू के और कुछ नहीं रहा। मैं अगर तुम दोनों की जान भी ले लूं तो मुझे पाप नहीं लगेगा। क्या हम ही उसके कातिल हैं? तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हो खामखा। अगर तुम उसको हमारे हवाले न करते तो वो बेचारा मरते ही नहीं खामखा। माँ जी, बसंती, बसंता जी, मत रो माँ जी, मत रो। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि तुम्हें दिलासा दे सकूं, मगर तुम ही रोगे तो लक्ष्मी और मुझे कौन संभालेगा? मत रो माँ जी, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं बसंती, सुभाष की मौत के साथ मेरी भूख भी मर गई। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे भी उसके पास बुला ले। ऐसी अशुभ बातें मत करो माँ जी, थोड़ा सा खा लो। बेटे, अभी तो बच्ची है, माँ के दिल के जज्बात को नहीं समझेगी। हर माँ अपने औलाद को जन्म देने के बाद यही सोचती है कि उसके औलाद जवान होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी चिता को आग दे। लेकिन मेरी चिता को आग देने वाला बेटा खुद ही जुर्म की आग में जल गया, खुद ही जुर्म की आग में जल गया। वो पापी जिसने मेरे बेटे की हत्या की
उसे क्या मालूम क्या उसने एक माँ की दुनिया में अंधेरा फैला दिया है। वो नहीं जानता वो बेटा अपनी माँ के लिए कितनी जान देता था, कहा करता था माँ मैं जवान हो गया हूँ, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना तालाब से पानी मैं भर के लाया करूंगा। मैंने कहा बेटा तू बड़ा हो गया है, ये सब काम तुझे नहीं करने चाहिए। तू मुस्कुरा कर कहने लगा माँ मैं दुनिया के लिए बड़ा हो गया हूँ, लेकिन तेरे लिए तो मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन आज उस जालिम ने मेरा वो बच्चा भी मुझसे छीन लिया। बसंती क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना। और क्या कहना चाहती हो? यही ना कि किस तरह किसी और का कत्ल करने जा रहे हो, या ये कि सारे गांव को दुख में डूबा देकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और आईना मुझसे बात करने की कोशिश ना करना। हे देवी, हमारे गांव में दुख की बीमारी फैलाने वाले, मेरे जीवन में शनि की तरह आने वाले से हमें मुक्ति दिला दे माँ। अगर तूने हमारी बिनती सुन ली तो सारे गांव वाले तेरी महापूजा करेंगे। तुमने मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे जैसा गुनहगार जिस घर में कदम रखेगा वो घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी सिर्फ परछाई पड़ने से हरा भरा खेत सूख सकता है। तुम इंसान नहीं, पाप का सागर हो। निकल जाओ यहाँ से, मेरे लिए निकल जाओ। जहाँ भी जाते हो बर्बादी फैलाते हो। निकल जाओ। बहुत हो चुका, कोई मेरे पास सुनने को तैयार ही नहीं, लेकिन आज मैं अपनी बात कहकर ही रहूंगा। जिस दिन से सुभाष बाबू की मौत हुई है मुझ पर क्या बीत रही, मैं कैसे सुलगते अंधेरों पर लौट रहा हूँ कोई नहीं जानता। बिना सोचे समझे तुम भी गांव वालों के साथ मिलकर मुझे कातिल खूनी कहती रही। अगर मैं वही महागुरु वही गुंडा होता तो तुम सबको मारकर भी लापरवाही से आराम की नींद सोता, मगर नहीं, मैं उस पाप के रास्ते से लौटना चाहता हूँ। सबको अपने दुख दर्द अपने दिल का जख्म दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे सूरत तक देखना नहीं चाहता। मेरा गुनाह तो सिर्फ इतना है कि मैंने सुभाष बाबू को उन दो शैतानों के हवाले कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुमसे वादा करके गया था कि मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग उसे जान से मारकर दरिया में फेंक चुके थे। बसंती, तुम्हारी कसम मैं उसका कातिल नहीं हूं। कम से कम तुम तो मेरी बात का यकीन करो। इस दुनिया में सिर्फ तुम्ही को मैंने अपना समझा। और मैंने भी तुम्हें अपना समझा था। जिस दिन तुमने लक्ष्मी की इज्जत बचाई थी उसी दिन मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छे इंसान की झलक देखी। मैंने सोचा तुम एक अच्छे इंसान बनकर गांव के कमजोर और मजबूरों का सहारा बनोगे, हमें उन शैतानों के जुल्म और नाइंसाफियों से बचाओगे, छुटकारा दिलाओगे। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बसंती। अपने जुर्म और गुनाहों के पश्चाताप के लिए कदम कदम पर उनके जुर्म का सामना करूंगा, और जब तक सारे गांव वाले खुशहाल नहीं हो जाते तुम्हारी दलील पर कदम नहीं रखूंगा, तुम्हारे संग नहीं आऊंगा। बड़े भैया, मुझे तो इस महागुरु के बर्ताव पर शक हो रहा है, कहीं ये बदल गया तो। बदल गया तो बदल गया है? बहुत बहुत होगा तो गांव छोड़कर चला जाएगा है? फिर खुद ही भूखा मरेगा। या जो मुफ्त की शराब पीता था, कबाब खाता था, याशी करता था, वो कहां से पाएगा खामखा? नो क्वेश्चन। ये क्या है? तुम्हारे गेस्ट हाउस की चाबियां। गांव छोड़ के जा रहे हो? अच्छा है, जाओ हा? लेकिन कभी कभी यूं आते जाते रहना। नहीं बच्चों, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाला, यही रहूंगा, बल्कि डर बनकर तुम्हारे दिलों में रहूंगा, और सुबह शाम बैठते उठते हर मिनट तुम्हारे पापों का कांटा बनकर तुम्हारे दिलों में चुभता रहूंगा, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। और सुनो, इस गांव में जिन जिन के साथ नाइंसाफियां की है अब उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। अब चलो निकालो,
10,000 रुपया। अरे रे गुंडे राजा, क्या मजाक करके हमको डरा रहे हैं? जोक मार रहे हो, जोक मार रहे हैं, नो क्वेश्चन। अच्छा ये मजाक था काम का? अगर तुम लोगों ने पैसे ना दिए तो ना नो क्वेश्चन रहेगा ना खामखा रहेगा। इसकी टांग तोड़कर तुम्हारे हाथ में लगा दूंगा, तुम्हारा हाथ तोड़कर इसके पैर में लगा दूंगा। बोलो क्या इरादा है? नहीं तो शुरू कर दूं प्रोग्राम। नहीं नहीं नहीं, जो 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 तुम बोलो, हमको मंजूर है। प्रोग्राम की क्या जरूरत है? ये लो महागुरु, ये लो। महागुरु नहीं, विजय। जिस महागुरु को तुम लोग खरीद के लाए थे, समझ लो वो चला गया। उसकी जगह इस गांव के गरीबों का दोस्त विजय आ गया है, समझे? समझ लो। बड़ा खतरनाक आदमी। आज रात को खटिया पे किसको लगा? बेटी बेटी थोड़ा पानी दे। लाई बाबू। तुम अब क्या लेने आए हो? अरे अब तो ये भूखी प्यासी जान ही बाकी रह गई है। दया करो, हम पे रहम करो। नहीं काका, नहीं, मैं इस बार अपनी गलती ठीक करने आया हूँ। अब तो मवेशी वापस लाया हूँ, और जो घर उस दिन बर्बाद कर दिया था उसके बदले ये कुछ रुपए लीजिए और घर फिर से बनवा लीजिए। लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। आई माँ। इधर आ, इधर आ। क्या बात है माँ? देख तो, ये सारा आंगन साफ किया हुआ है, जानवरों को चारा भी डाला हुआ है, दूध भी दोया हुआ है, अरे पानी भी तो भरा हुआ है। ये सब किसने किया? मैंने नहीं किया माँ। तूने नहीं किया तो फिर? माँ मेरी तलवार। क्या करता है रे? कुछ नहीं, मैं वो अपनी तलवार के बारे में। और मेरी तीसरी तलवार। मामा। अबे जल्दी आ। आ गया, देखो लाया मामा। मुझे देखने को तेरा दिल तरस गया था। तू कोई देखने की चीज है? तेरी माँ जिंदा होती तो वो कभी तेरा मुंह नहीं देखती, इतना भयानक है तू। You are right मामा। बोर मत कर बे, एक जरूरी काम है वो तुझे करना है खामखा। श्योर, बोलो। जिस महागुरु को हमने शहर से बुलाया था औरों का खून पीने के लिए, अब वो हमारी गर्दन में दांत घुसेड़ के हमारा ही खून पी रहा है। सबसे पहले एक ऐसा प्लान बना कि सारा गांव महागुरु के खिलाफ हो जाए। सबसे पहले उसकी पिटाई करे और बाद में उसको उठाकर गांव से बाहर फेंक दे। क्या महागुरु को? खच्चर की औलाद, अपना शहरी दिमाग इस्तेमाल कर खामखा। अच्छा चलो, मैंने इस्तेमाल कर लिया, मगर मेरा क्या फायदा? हमेशा अपना ही फायदा सोचता खामखा। भांजा किस मामा का हूँ, इस हाथ दे इस हाथ ले। चलो ठीक है, मैं अपना पोल्ट्री फार्म तुम्हें दे देता हूँ खामखा। गुड, नो क्वेश्चन। मैं अपना देसी दारू का अड्डा भी तुमको दे देता हूँ। वेरी गुड। अच्छा मामा, ये आजकल रहता कहाँ है? ये महागुरु आजकल मंदिर में रहता है। मंदिर में? मंदिर में भगवान होगा, भगवान की मूर्ति पे जेवरात होंगे, और जब जेवरात होंगे तो उन्हें चुराने वाला भी तो कोई होगा। क्यों महागुरु, अभी अभी तो तुम्हारा दिल बदला है, उसमें भक्ति भावना जागी है खामखा, मंदिर में रहना शुरू किया है।
और मंदिर में रहते ही भगवान के सेवर गायब कर दिया। अबे सारे झूठ बोलेगा तो पसलियां तोड़ के मुंह के रास्ते बाहर निकाल दूंगा। हाँ, हम बड़े गांव के मौजूद है खामखा, हम फैसला करेंगे खामखा के कौन चोर है और कौन बेकसूर है खामखा। मेरा शाही दिमाग ये कहता है कि इन दोनों में से कोई एक जरूर चोर है। वो जेवर कहे में थे? पोटली में मामा। वो पोटली कहाँ खामखा? यही गई पड़ी होगी। ढूंढो पोटली कहाँ खामखा। अरे इसमें से जेवरात की जगह पत्थर निकल रहे खामा का। नो क्वेश्चन, लगता है किसी ने जेवरात मार लिए। किसने मार लिए? माथा फोड़ी करने से क्या फायदा, पहले मंदिर के अंदर चल के देखते हैं जेवर है कि नहीं है। हाँ चलो चल के देखते हैं खामा का। चलो मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है, जेवरात ले जा रहा था पोटली में डाल। ये तो कमाल है, जेवरात तो सही सलामत है खामखा। हाँ सही सलामत है, जेवरात तो सही सलामत है, लेकिन अगर दोबारा मुझे बदनाम करने की कोई चाल चली तो मैं फिर से वही वहशी वही दरिंदा बन जाऊंगा और तुम में से कोई फिर सही सलामत नहीं बचेगा, याद रखना इस बात को। चल झूठा खामखा, चोर खामखा, बेईमान खामखा। रात में यहाँ कैसे? मैं यहाँ ना आती तो एक बेकसूर गुनहगार साबित हो जाता। क्या मतलब? मैंने ही उस पोटली में पत्थर डाल दिए और जेवरात देवी को वापस पहना दिए। तब यहाँ जो कुछ हुआ तुमने देखा? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया। सुना था कि तुमने अपने आप को बदल लिया है, शैतानों के साए से हटकर तुम भगवान के साए में आ गए हो। ये सच है या झूठ यही देखने के लिए यहाँ आई थी। यहाँ आकर पता चल गया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। आज मैं मान गई कि मेरा विजय जबान का पक्का है। वादा किया था कि मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा और आज बनकर भी दिखा दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमसे हमदर्दी जताकर तू जो चाल चलना चाहता है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे शैतान, तेरे पांव जहां भी पड़ेंगे वो जमीन जलकर राख हो जाएगी। चला जा यहां से। जानवरों को चारा डालकर चला जाऊंगा माँ। माँ, तेरे मुंह से माँ का शब्द अच्छा नहीं लगता। तो क्या जाने माँ की ममता क्या होती है, बहन का प्यार क्या होता है। इन हाथों से जानवरों को चारा डालेगा तो इनसे दूध नहीं जहर निकलेगा। तेरा साया बिन पे पड़ेगा तो ये भी नहीं बचेंगे। फिर हाथ लगा रहा है, तू चला जा यहाँ, निकल जा, जा, जा यहाँ से। रुचि हो गई माँ, मारो और मारो। जिंदगी में बस एक अपनी माँ की मारी नहीं खाई। मेरी भी अगर कोई माँ होती और मेरी पहली गलती पर मुझे ऐसी तरह छांटे मारती तो शायद मैं दूसरी गलती ना करता, ना मेरे अंदर जुर्म और गुनाह ने जम लिया होता। आज मैं भी एक अच्छा इंसान हुआ था, मगर ये नहीं हुआ। शहर के फुटपाथों ने इस लावारिस की परवरिश की, गंदी गलियों के गुनाहों ने इसे पढ़ाया लिखाया। इस तरह बचपन से जवानी में कदम रखा तो महागुरु बन गया। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार किसी माँ का गम मेरे सीने में उतर गया, किसी बहन के आंसू मेरे आंखों से बहने लगे। अब यह महागुरु बदल चुका है मां। मेरे कारण तुम्हें जो तक पहुंचे हैं उनके बदले मार तो क्या, मेरी जान ले लो तो भी मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। अच्छा, सुभाष की मां ने महागुरु को थप्पड़ मारा? लेगा, बुढ़िया से बदला तो जरूर लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसके घर को आग लगा के रहेगा। नहीं लगाएगा, अब वो बुरा आदमी नहीं रहा बड़े भैया। खामोश, वो नहीं रहा तो क्या हुआ, हम तो हैं। आग हम लगाएंगे और इल्जाम महागुरु पर आएगा। खामोश, वाह दिमाग।
मुझे बेटा, बेटा विजय, बेटा विजय, मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तू इतना बदल गया है। मैंने तुझे कितना मारा, कितनी गालियां दी, क्योंकि मेरे दिल में मेरे बेटे की मौत की आग सुलग रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कहती हो माँ? माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगा करती। विजय, तूने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो वो भी यही करता। तूने मेरे बेटे की कमी पूरी कर दी। मैं तुम्हारा एक कर्ज कैसे उतारूंगी? ऐसा मत कहो माँ, तुमने इस लावारिस को अपना बेटा बनाकर अपना कर्जदार बना लिया। देखा माँ, आज तुम्हारे इस बेटे ने तुम्हें बचा लिया, वरना दरबारी तो तुम दोनों को जिंदा जला ही चुका था और उसका इल्जाम विजय के सर पर लगा देता। क्या शोर मचा रखा है? चुप! हरामजादो, मेरी दुकान के बोर्ड किसने निकाले? क्या है, आजकल गांव के बच्चों में पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज्यादा हो गया है और गांव के लोग इस लाइब्रेरी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए आपके इस गुलाम ने अपने हाथों से इस बोर्ड को निकाल दिया। इन बच्चों को स्कूल चाहिए है? जी हुजूर। इन बुड्ढों को लाइब्रेरी चाहिए। चलो चलो, पागल हो गया क्या? तुम्हारे बाप की जगह है क्या? माफ करना, नहीं तो आपके बाप की जगह है क्या? जरूर, मुझे मेरे ग्रेट मामा लोगों ने इनाम में दिए। अबे शैतान मामा के बेईमान भांजे, तुझे इनाम में देने वाले वो कौन होते हैं? ये सरकारी जगह है, गांव वाले इसके हकदार हैं। अब तुझे क्या करना है? क्या? 5 मिनट में ये मुर्गी खाना, 5 मिनट में ये दारू खाना, टोटल 10 मिनट में ये जगह खाली करना। खाली 10 मिनट में? नहीं करो तो साले को आज नहीं छोड़ेंगे। देखो महागुरु, तुम्हारे भांजे के सीने पे खड़ा हुआ है। जूते खाने की अब आई बारी। अरे ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए भजन मंडली तोहफे के तौर पर लाया हूँ और तुम्हें बहुत जबरदस्त ऐलान सुनाने आया हूँ। ऐलान सुनाओ, क्या ऐलान है खामखा? मैं तुम दोनों को जान से मारने के इरादे से आया। जान से मारने का? दारू पी कर आया हो खामखा? नो क्वेश्चन, दारू नहीं पिए बड़े, ये हमें धमकी दे रहा है। धमकी? मैं धमकी नहीं देता, मैं मार दिया करता हूँ। अगर तुम दोनों को अपनी जिंदगी प्यारी है और नहीं चाहते कि गंदे जानवर की तरह तुम्हारी लाश गटर में तैरती हुई नजर आए, तो इसके बदले 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख? यस। किस लिए खामखा? इसलिए खामखा, सुभाष बाबू के मकान को तुम लोगों ने आग लगाई खामखा, मकान जल गया खामखा, अब मकान वापस बनाना है खामखा, इसलिए 1 लाख रुपए चाहिए खामखा। मगर उस मकान के जलने से हमारा क्या लेने देना खामखा? चुप, ज्यादा होशियारी नहीं, कान के ढक्कन खोल के सुन लो। आज के बाद अगर इस गांव में कोई घर जला, किसी का खेत छीना गया, कोई माँ अपने जवान बेटे की मौत पर रोई, किसी बीवी ने अपने सुहाग के छीने जाने पर आंसू बहाए, तो मैं तुम लोगों का हुलिया बिगाड़ के रख दूंगा। चल जल्दी से पैसे निकाल। अभी ला 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 ये, ये आपको पैसे देंगे। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, ये काम और भी करना पड़ेगा। क्या क्या काम बताता?
हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया था। हरामखोर खटिया नाला खामखा, तेरी वजह से मैं भी फंस गया खामखा। ये क्या मेरे काम करने की जगह खामखा? नाला गुल्लू का पट्टा। अरे अरे हिप्पो हैया, हिप्पो हैया, हिप्पो। क्या दरबारी लाल, तलवारी लाल, काम सब कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रही है। भगवान की कृपा से। मारे इसको मारे। क्या है? नहीं वो थोड़ा कचरा लगा है। कचरा सब इधर है। मालूम है? मेरा मन करता तेरे को कीचड़ में 24,000 फुट जमीन मेरा क्या कसूर है? सारे सब तेरा कसूर है। खामखा तू मुझे महागुरु को शहर से बुलाने का आइडिया देता, नहीं दिन देखने पड़ते। ये सब आपका कसूर है। मेरा क्या कसूर है? आप अगर उस दिन मकान को आग नहीं लगाते तो आज हमें कीचड़ उठाना पड़ता। मैं इस गांव का मारा गांव कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझसे पूछने वाला कौन है? मैं क्या कीचड़ उठाऊंगा? और नहीं तो क्या हम कीचड़ उठाएंगे? हमारे खानदान में आज तक किसी ने पिताजी आपके साथ मैं भी ये काम करूं? नहीं नहीं, नहीं। हमारे खानदान की कुंवारी बेटियां कभी काम नहीं करती हैं। जाओ जाके आराम करो खामखा। अरे तुम क्या कर रही हो? हमारे भी तलवारी खानदान की शादीशुदा औरतें कभी काम नहीं करती। तुम जाओ, मैं काम करता हूँ। तुम जाओ। चलो चलो खाने का वक्त हो गया। चलो चलो खाने का वक्त हो गया। खाने का वक्त हो गया। चलो चलो दाल चावल जल्दी। स्टॉप 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 स्टॉप, तुम खाना मत खाओ। अरे घंटी बजी ना मगर। वो मजदूरों के लिए, तुम मजदूरों के सरदार हो, हमेशा काम करते ही रहो। भूख लगी है ना मगर बाबू? अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपनी जगह पे किसी दूसरे को काम पर लगा के तुम खाना खाओ। तुम जाके थोड़ी देर काम करो ना। अच्छा मेरे बाप, मैं भेजता हूँ, तुम जाओ। जाओ जाओ, मैं भेजता हूँ, नहीं खाऊंगा, जाओ मेरे बाप। बेटी थोड़ी देर जाके काम कर लेना, मैं खाना खा लेता हूँ। पिताजी आपने कहा था ना, हमारे खानदान में कुंवारी लड़कियां काम नहीं करती। अरे वो खानदान गया जहन्नम में, आज से समझ ले नया खानदान शुरू हो गया खामखा। तू जाके काम करना खामखा, मैं खाना खा लेता हूँ। तुम खाओ। जा भाई जा, जरा काम कर, खाना खाने दे। अच्छा चलो जाती हूँ। क्या है पिताजी? मैं क्या करूंगा? पिताजी आपको भूख लगी है ना? अरे इन भूखे कुत्तों को देखकर मेरी भूख मर गई। क्या ये कुत्ते हैं क्या? अरे जब आप कुत्ता, इनकी माँ कुत्ती। क्या डर लगता है मुझे? पवित्र कदमों से इस नए घर का मुहूर्त करो। सुभाष भैया, आज मां और बहन इस नए घर में आ गए हैं, अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल रही होगी। सिर्फ घर में आने से काम नहीं चलता हुजूर, अभी तो शादी बाकी है। शादी? माँ के सामने शादी की बात करती है? सामने आती? चल हट, अपनी शादी नहीं, इसकी शादी। ओ, इसकी? तो इसकी फिक्र करने की तुझे क्या जरूरत है? वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है अपनी बहन के लिए मुझे क्या करना है। समझी? समझ ले। माँ मैं आज ही शहर जाता हूँ और अपनी गुड़िया जैसी बहन के शादी पक्की करके आता हूँ। तुमने क्या समझकर खाट मेरे घर के दरवाजे पर भिजवाई? मैंने? हाँ जवाब दो, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे टुकड़े क्या कर रहे हैं? शांति शांति, मुझ पे क्यों नाराज होते हो भाई? नागराज अब वो पुराना नागराज नहीं रहा, अब वो शराफत राज बन चुका। मैंने सब बुरी आदतें छोड़ दी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के दरवाजे पे जो आई थी वो मसेही थी या पलंग जैसा था? पलंग पलंग
हाँ ये जरूर उस नालायक पापी बुरी नजर वाले श्याम कुमार तलवारी का काम है खामखा। ये उसका काम है? हाँ भाई बड़ा ही जलील कमीना आदमी है, उसको समझाते समझाते मेरी जबान पे छाले पड़ गए। मैंने कहा गुनाहों से तोबा कर ले, बुरे काम छोड़ दे, मगर नहीं माना और देखो तुम्हारे दरवाजे पे खाट भेज दी। थू 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 थू। ठीक है चलो। बुड्ढा आदमी है, ज्यादा मत मानना वरना मर जाएगा खामखा। तुम देखते रहना उसकी क्या हालत बनाएंगे। चलो बेटा विजय, मुहूर्त तो बहुत जल्दी का निकला, क्या तुम इतने कम समय में शादी की तैयारियां कर सकोगे? साहब, लक्ष्मी सिर्फ मेरी बहन नहीं, सारे गांव की बेटी है। सिर्फ एक घंटे में सारे गांव वाले मेरे को इंतजाम कर देंगे। आप बेफिक्र होकर भारत ले आइए। अच्छा मैं चलता हूँ, बस छूट जाएगी। तो क्या हुआ, मैं आपको कार से छोड़ाता हूँ। तुम तकलीफ क्यों करते हो, मैं बस से चला जाऊंगा। नमस्ते 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 नमस्ते। हाय हाय, भगवान करे उनके हाथ उनकी बेटियां विधवा हो जाए, उनके बच्चे यतीम हो जाए। कैसे मारा है, कहां कहां मारा है। अरे तुम किनको गालियां दे रही हो? ये करतूत उस हराम खोर धोखेबाज नागराज दरबारी की है। देख लूंगा उसको मैं, साले को देख लूंगा मैं। ओ सैया जी, अरे ओ मन बसिया जी, ee
ही मैं हूँ, बस दुनिया में और नहीं कोई। तेरा मेरा प्यार हकीकत बाकी कहानी। चिकनी चिकनी कमल जैसी तेरी जवानी, छूके बदन को फिसल जाए पानी। ये क्या? गांव वालों ने आपकी बेटी के लिए खाट भेजी है। क्या? मालिक आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे मामा, खानदान की इज्जत गई तेल लेने। इस दुनिया में जिसके पास दौलत है उसके पास खानदान भी है और इज्जत भी। चल मैं देता हूँ दौलत, इस बेइज्जती का बदला ले सकेगा? हाँ मामा, मगर कितना पैसा दोगे? 1,00,000 दूंगा खामखा। 1,00,000? अरे मामा, 1,00,000 में तो मैं कुत्ता भी ना मारूं। 2,00,000 दूं? अरे मामा जाओ कोई और घर देखो। अच्छा 5,00,000 ले लेना। 5,00,000? अरे मामा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मगर मामा मैं ये करूँगा कैसे? शैतान को ट्यूशन देने वाला ये उस्ताद जो मौजूद है, तू क्यों फिक्र करता है? कल इधर। कल सुबह 4 बजे पहुंच जाना, भूला नहीं। दरबारी जी, सुबह 4 बजे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं इसे कह रहा था कि सुबह 4 बजे सूरज निकलता। अच्छा। तो ये तुमसे मतलब सूरज 4 बजे निकले या 5 बजे निकले, तुम अपनी टांग से देखो चले आते हो खामखा। चलो चलो चलो, सुबह 4 बजे कहीं सूरज निकलता है। नमस्ते नमस्ते, आइए। दुल्हनिया जी, अभी सजने में और कितना वक्त लगेगा, जल्दी करो जी, नहीं तो दूल्हा जी यहीं पर आकर जी मंगलसूत्र पहना देगा जी। समझ गए जी, जल्दी करना। नमस्ते नमस्ते। बसंती जी, शादी लक्ष्मी की हो रही है और तुम दुल्हन बनी फिर रही हो, जाके कुछ काम फीम करो, ये सजावट दिखाने का वक्त नहीं है। अच्छा जी, चोर साहूकार को डांटे, खुद तो सच सजा के दूल्हे की तरह चिकने कपड़े पहनकर खड़े हो और उल्टा मुझे डांट रहे हो। चल चल अपना काम देख। बड़ी चलाक छोकरी है यार। नमस्ते लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी दीदी क्या है? बसंती दीदी आपको बुला रही है। कहाँ है वो? पिछवाड़े। बसंती 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 बसंती, कहाँ चली गई? लक्ष्मी, चाची तुमने लक्ष्मी को कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चले गई है लक्ष्मी? लक्ष्मी लक्ष्मी कौन सा गिरी? कहाँ है गिरी? कोई भी नहीं इधर, कोई भी नहीं। मेरी गुड़िया रानी, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा? जल्दी से तैयार हो जाओ, मौत का वक्त हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कमाल है, अरे वहाँ पंडित जी बैठे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ भाई बहन बैठे गप्पे मार रहे हैं। चलो चलो जल्दी आओ। तुम इसे जल्दी तैयार करके ले आओ। ठीक है। ओहो कितनी लापरवाह है, अपने बाल और कपड़े कैसे खराब कर दिए। चलो मैं ठीक करती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलेगा। Thank you.
हमें खबर मिली है कि इस घर में खून हुआ है। यहाँ तो मेरे बेटे की शादी की खुशियाँ मनाई जा रही है और आप कह रहे खून हुआ है। आपको किसी ने गलत खबर दी है? नहीं माँ, ये गलत खबर नहीं है, यह वाकई खून हुआ है। आइए इंस्पेक्टर, मैं आपको लाश दिखाता हूँ। चलिए। ये रही लाश। किसने किया है ये? मैंने। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये कभी खून नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये झूठ नहीं माँ, सच है, ये खून मैंने किया है। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। भैया ये तुमने क्या किया? मुझे बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, उस कमीने का खून करके तुम हत्यारे क्यों बने भैया, क्यों? लक्ष्मी ये क्या कह रही है, क्या खून मैंने किया है? मैं तो समझा था कि खून तूने किया है। नहीं भैया, उस बदमाश से अपने आप को बचाते हुए मैं बेहोश हो गई थी, जब आंख खुली तो अपने आप को कमरे में पाया और आप मेरे सामने खड़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तूने उस लोहे के सलाख से उस पर हमला नहीं किया? नहीं भैया। विजय ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमने खून नहीं किया? नहीं। इतना बड़ा इल्जाम तूने अपने सर पे क्यों ले लिया बेटा? माँ मैं समझा कि लक्ष्मी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जान से मार डाला और लक्ष्मी को बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया। अब समझ में आया कि हम सब बहुत बड़ी साजिश में फंस गए हैं और असली कातिल अब मेरी आंखों के सामने है। तो फिर बताओ विजय, आखिर वो है कौन? हम उसे जरूर कातिल साबित करके रहेंगे। चाची वो लुच्चा बदमाश, दूसरों को फंसाने वाला दरबारी चिल्ला चिल्ला कर वकील से तुम्हारे पति के बारे में कुछ कह रहा था। इनके बारे में कह रहा था? क्या कह रहा था बेटी? उसने कहा कि तुम्हारे पति ने और महागुरु ने दोनों ने मिलकर गिरी को जान से मार डाला। और उसने ये भी कहा कि उसने उन दोनों को अपनी आंखों से खून करते हुए देखा। क्या? और वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार है। आग लगे तेरी काली जुबान को छुड़े, तू जो कह रही है सच कह रही है। तुम्हारी सर की कसम चाची, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखा मेरे छोटे भैया कह के जबान नहीं थकती थी, अब माटी मिला उनके खिलाफ बोल रहा है। हाँ चाची, दरबारी जो दिल में ठान लेता है ना वो ही करता है, और वो चाहता है कि महागुरु के साथ साथ तुम्हारे पति को भी फांसी मिल जाए, और इसमें कोई शक नहीं है चाची। अब मैं क्या करूँ? हे राम हे राम। अब तुम क्या करोगी मुझे नहीं मालूम। हे राम हे राम। फिर अदालत के कटहरे में खड़ी होंगे चाची, ओ चाची। फिर फांसी पर लटकाएंगे चाची, ओ चाची। फिर लाश को अर्थी पर चढ़ाएंगे चाची, ओ चाची। फिर हाथों की चूड़ियां तोड़ी जाएंगी चाची, ओ चाची। फिर तुम्हें सफेद कपड़े पहना कर विधवा बना कर कोने में बिठा देंगे चाची, ओ चाची। अरे चंदा, चंदा रो क्यों रही हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से फूल लाया हूँ। लो फूल। अरे फूल लेके मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब मांग में धूल भरने का वक्त आ गया, सफेद धोती पहन के विधवा बनने का जमाना आ गया। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो मैं तुम्हारे सामने जीता जागता चट्टान की तरह खड़ा हूँ, तुम विधवा कैसे होगी? अरे कैसे होगी, क्या हो चुकी? हाँ मुझे पता चल गया कि तुमने और महागुरु ने गिरी का खून किया। क्या? हाँ, और उस दरबारी ने तुम्हें खून करते हुए देख लिया, और वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करेगा, ये तुम्हें फांसी हो जाएगी। अरे हाँ, ये खबर सारे गांव में फैल गई है। अच्छा, यानी दरबारी मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करेगा? हाँ। मुझे फांसी पर लटकवाएगा? अरे उसकी ऐसी की तैसी, वो मुझे क्या लटकवाएगा, मैं उल्टा उसको लटकवा दूंगा। अच्छा? आ, कैसे कैसे? आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ। आओ
ये देखो, ये देखो उसकी जिंदगी का टाइम टेबल अब मेरे हाथ में है, नो क्वेश्चन। बेटी आज तो बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ, मैं ऐसी तस्वीरें उड़ा कर ले आई हूँ जो विजय को बेगुनाह साबित कर सकती है। वो छूट जाएगा। सच? कहाँ है वो तस्वीरें? मैंने उन्हें हिफाजत से कहीं छुपा कर रख दिया है। कचहरी जाते वक्त साथ में ले जाएंगे और विजय को बचा कर ले आएंगे। जब तक हम जिंदा है वो कचरा कचहरी से छूट कर कभी नहीं आ सकता। उससे पहले तुम दरबारी के दरबार में कैद कर ली जाओगी। बताओ कहाँ है वो तस्वीरें? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? इसको याद दिलाओ कौन सी तस्वीरें चाहिए। खामखा ये नाइंसाफी है, सरासर जुल्म है। मुझे क्यों बांधा है मेरे दोस्त? कुत्ता जब काटने लगता है तो उसे बांध दिया जाता है। तू मेरी चाहत में दीवाना हो गया था ना, पागल कुत्ते की तरह कहीं काट न ले, इसलिए मैंने तुझे बांध रखा है छोटे भैया। भैया तू मुझे इतना चाहने लगा था कि छुप छुप कर मेरी तस्वीरें उतारने लगा था है? अगर तस्वीर चाहिए तो मुझसे कहना था ना, मैं तुझे एक से एक खूबसूरत तो बढ़िया तस्वीरें उतार के दे सकता था। दे सकता था ना? तो फिर क्यों गांव की लाडली बसंती मेरे लाए हुए दो कौड़ी के माँ गुरु को अपने प्रेम के जाल में फंस लिया। अब वो मौत के जाल में फंस चुका है और अब वहां से बहुत जल्द फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला है खामखा। इसलिए अपनी जवानी और खूबसूरती पर रहम खा और बता वो तस्वीरें कहां रखी हैं खामखा। मेरी जान भी चली जाए तो नहीं बताऊंगी। बेवकूफ लड़की, यहां मेरी इजाजत के बगैर महागुरु तो क्या हवा भी दाखिल नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने इसके चारों तरफ हिंदुस्तान के हर शहर से छठे हुए बदमाशों की मजबूत दीवार बना दी है और अगर महागुरु उस दीवार से टकराएगा तो मर जाएगा। इसलिए महागुरु के सपने देखना बंद कर दे और जल्दी से बता दे कि वो तस्वीरें कहां रखी हैं खामखा। क्या तस्वीरें हासिल करने के लिए उसने मेरी माँ को उठा लिया? हाँ, तुम्हारी माँ को, बसंती को और मेरे पति को भी ले गया। उन्हें बचा लो बेटे, अपनी माँ को बचा लो, मेरे सुहाग को बचा लो। नहीं बताएगी है? अब तक तो मैं तुझे मीठी मीठी बातों से समझा रहा था, मगर अब एक कड़वी हकीकत भी सुन ले। मिसाल के तौर पर मेरा सगा भांजा गिरी, याद है ना? उस कमबख्त ने मेरे खिलाफ एक छोटी सी आवाज उठाने की कोशिश की थी तो मैंने उसे दुनिया से उठा दिया और उसके इल्जाम में महागुरु को फंसा दिया। तो सोच ले तेरा क्या अंजाम कर सकता हूँ। और बुढ़िया, तेरे बेटे का मैंने क्या किया वो तू जानती है, दुनिया जानती है, पुलिस नहीं जानती है। इसलिए महागुरु की महान माँ इस जवान चूजे को समझा दे कि हमें ज्यादा इंतजार न कराए खामखा, बतला दे खामखा। नहीं, बसंती कुछ नहीं बताएगी। बतलाएगी, जरूर बतलाएगी खामखा। भीम सिंह, Yeah!
बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, क्यों इन आंखों को मौत की नींद सुलाना चाहती है? अपनी जलती हुई जवानी पे तरस खा और मान जा खामखा। तेरा थूक भी ऐसा गर्म है जैसे जवानी की उबलती हुई कढ़ाई से निकला हो। अब मैं जुल्म का एक नया तरीका इस्तेमाल करूंगा। ए, इसको खास कमरे में ले जाओ खामखा। जी अच्छा। देखा, अब मुझ पर थूकने का अंजाम ले जाओ खामखा। ले जा बंद उसको। नहीं, मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। नीचे, बाहर। नहीं बताऊंगी। उठाओ, 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 उठाओ। Ah!
खुशी करा था, गिरफ्तार कर उसे। गिरफ्तार किसे करना है मैं मालूम है, खूनी कौन है हम जानते हैं। सिपाही बना दो इसे हथकड़ी। मुझे हथकड़ी किसने खामखा? इसलिए कि तुमने काफी चक्कर चलाए हैं खामखा, और अब इन तमाम चक्करों का सरकार को पता चल गया है खामखा, इसलिए जेल में जाकर रात दिन जपते रहना खामखा 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 खामखा। चुप है तलवारी जी। अब तुम भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ साल के लिए जेल जाकर जेल के हवा खा कर आओ। खामखा चलो। तेरे मेरे बीच में कोई भी जो आएगा, हाथ तोड़वाएगा या पांव तोड़वाएगा, हम सबको प्यार से मनाएंगे, मियां बीबी बन के दिखाएंगे, डोली डोले के खाना तो हम घर जाएंगे, फिर मिलने आप कब आएंगे, शादी के दिन हम आएंगे, फिर मिलने आप कब आएंगे।